भगवान नरसिंह कौन थे और कैसे हुई हिरण्यकश्यप की मृत्यु? फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को नरसिंह द्वादशी मनाया जाता है। बता दें कि भगवान विष्णु जी के 12 अवतार में एक अवतार नरसिंह भगवान का भी है। ऐसी मान्यता है कि इस खास व्रत को करने से व्रती को प्रत्येक बाधा से जल्दी से मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु के भक्त प्रह्लाद, जो हिरण्यकश्यप नामक अतताई राजा के पुत्र थे, अपने पुत्र की हत्या के लिए कई प्रकार से जतन तो किया था, लेकिन वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु जी ने अपने भक्त प्रह्लाद को हर संकट से मुक्त कर दिया था। कहते हैं कि भक्ति में कभी संकट आ जाए तो उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की महिमा अपरंपार है तथा भगवान अपने भक्तों को संकट से जरूर से मुक्त करते हैं। भगवान नरसिंह कौन थे? दरअसल भगवान विष्णु के 12 अवतार में से एक अवतार भगवान नरसिंह का भी है। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने आधा मनुष्य तथा आधा शेर का रूप धारण करके दैत्यों के राजा यानी कि हिरण्यकश्यप का वध किया है। वहीं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में कश्यप नामक ऋषि रहा करते थे। ऋषि कश्यप के पत्नी का नाम दिति था तथा उनकी 2 संतान थी, जहां ऋषि कश्यप ने प्रथम पुत्र का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप रखा था। चौंका देने वाली बात यह थी कि ऋषि के दोनों संतान असुर प्रवृत्ति के थे। असुर प्रवृत्ति के होने के कारण भगवान विष्णु जी के वराह रूप ने पृथ्वी की रक्षा हेतु ऋषि कश्यप के पुत्र हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। अपने भाई की मृत्यु से दुखी तथा क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजेय होने का संकल्प ले लिया। ऐसे में हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा जी का कठोर तप किया और उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप को अजेय होने का वरदान दे डाले। वरदान पाने के पश्चात हिरण्यकश्यप ने स्वर्ग पर अधिपति स्थापित कर लिया तथा स्वर्ग के देवों को मारकर भगा भी दिया। उधर तीनों लोकों में शोर मच गया। अजय वर प्राप्त करने के कारण हिरण्यकश्यप तीनों लोकों का स्वामी भी बन गया था। सारे देवता गण उनसे युद्ध में पराजित होते चले जा रहे थे। हिरण्यकश्यप की कहानी। हिरण्यकश्यप को अपने शक्ति पर इतना ज्यादा अहंकार हो गया कि वे हिरण्यकश्यप प्रजा पर भी अत्याचार करने लग गए। इस दौरान हिरण्यकश्यप की पत्नी कायाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रह्लाद रखा गया। परंतु प्रह्लाद पिता के स्वभाव से पूर्णतः विपरीत स्वभाव का था। भक्त प्रह्लाद बचपन से ही संत प्रवृत्ति का था तथा भक्त प्रह्लाद अपने बाल्यकाल से ही भगवान विष्णु जी का भक्त बन गया। भक्त प्रह्लाद अपने पिता के हर कार्यों का विरोध किया करता था। भगवान भक्ति से प्रह्लाद का मन हटाने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहुत कोशिशें भी की, लेकिन भक्त प्रह्लाद इससे कभी विचलित नहीं हुए। अंततः हिरण्यकश्यप ने अनीति का सहारा लिया तथा अपने पुत्र की हत्या के लिए उसे पर्वत से धकेला, होलिका दहन में जलाया गया। परंतु हर बार भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रह्लाद बच जाया करता था। भगवान के इस चमत्कार ने प्रजा जनवरी भी भगवान विष्णु की पूजा तथा गुणगान करने में जुट गए थे। वहीं इस घटना से हिरण्यकश्यप काफी क्रोधित हो गए। भक्त प्रह्लाद को कटु शब्द में बोला, कहाँ है तेरा भगवान? सामने बुला। प्रह्लाद ने भी कहा कि प्रभु तो सर्वशक्तिमान है, वो तो कण कण में व्याप्त है, यहाँ भी है, वहाँ भी है। हिरण्यकश्यप की मृत्यु कैसे हुई? हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर बोला, इस खम्बे में तेरा भगवान छिपा है? भक्त प्रह्लाद ने कहा, हाँ। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने खम्बे पर अपने गदे से प्रहार किया। तभी खम्बे को चीरकर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपने जांघों पर उसकी छाती को अंगों से फाड़कर उसका वध कर डाला। भगवान नरसिंह ने भक्त प्रह्लाद को वरदान दिया, जो कोई आज के दिन भगवान नरसिंह का स्मरण, व्रत तथा पूजा अर्चना करेगा, उसकी मनोकामनाएं जरूर से पूरी होगी। नरसिंह द्वादशी पूजन विधि - नरसिंह द्वादशी के दिन व्रत उपवास व साथ ही पूजा अर्चना की जाती है। नरसिंह द्वादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए एवं भगवान नरसिंह की पूजा विधि विधान से करना चाहिए। ध्यान रहे कि भगवान नरसिंह की पूजा फल, फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती, पंचमेवा, कुमकुम, केसर, नारियल, अक्षते एवं पीताम्बर से याद से करें।